यहाँ पे दोस्तों देखोगे फिंगरप्रिंट लॉक लगा, जैसे अपना फिंगर लगाएंगे तुरंत अनलॉक हो जाएगा। अगर आपके पास है मोटो जी 34 5G फोन, उस फोन में किसी भी एप्लीकेशन पे फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो कैसे लगाओगे? इसके लिए सिंपली आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग जैसे ओपन हो जाएगी यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी प्राइवेसी, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे को आना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा डिवाइस लॉक, यहाँ पे क्लिक करना है और फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो अपना स्क्रीन लॉक डाल के अपना बटन पे फिंगर लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ सिक्योरिटी प्राइवेसी में कहीं पर भी ऐप लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी फिंगरप्रिंट ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ फिंगरप्रिंट का मिलता है। तो ऐप लॉक फिंगरप्रिंट करने के लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिससे आप ऐप लॉक कर पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इच्छा है तो आप लगा सकते हो। सिंपली आपको दोस्तों अब अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है, सर्च बार पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट, ये लिखोगे ये वाला एप्लीकेशन आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलता है, तो यही वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है, अलाउ करना है, अपना एक पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, जैसे 25 25 डालेंगे सही करेंगे, दोबारा से 25 25 डाले सही किए, अब यहाँ फिंगरप्रिंट बोल रहा है तो पहले नो करेंगे, अब यहाँ फिर मैं आपको बताऊँगा प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पैकेज इंस्टॉल को इनेबल करना है, इससे ये होगा इस एप्लीकेशन को बिना आपके परमिशन कोई हटा नहीं पाएगा। जिस एप्लीकेशन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है इस प्रकार से अपना इनेबल कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और इनेबल करने के बाद में प्लस पे क्लिक करना है, ओके करना है और यहाँ वही एप्लीकेशन मिलेगा, इनेबल करना है, फिर से ओके करना है, फिर से वही एप्लीकेशन मिलेगा, इनेबल करना है, ओके करना है और अलाउ कर देना है। आपका सक्सेसफुली ऐप लॉक हो चुका है। कोने में मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर मिलेगा पासवर्ड सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है, यूज फिंगरप्रिंट को आपको इनेबल करना है। लेकिन आपको ये याद रहे बटन पे आपने पहले से फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा होना चाहिए, वही यहाँ पे एक्सेस कर लेता है, ठीक है। सक्सेसफुली आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, यहाँ से बैक आएंगे, हम बैक आ चुके हैं। बैक आने के बाद में जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों जो है फाइल पे लगाया था, ठीक है, तो ये रहा फाइल, यहाँ पे देखेंगे हमारा फिंगरप्रिंट लॉक लगा, जैसे अपना फिंगर लगाएंगे यहाँ पे दोस्तों तुरंत अनलॉक हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से किसी भी एप्लीकेशन पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाओ।